कर ऑल इंडिया आंगन बड़ी खबर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए एक बड़ी खबर आ रही, प्रदेश सरकार बच्चों के बेहतर भविष्य को लेकर जो है निरंतर प्रयासरत है। संकल्प पत्र में योगी सरकार ने जो है जनता से वादे किए थे, उनको जो है पूरा करने का काम किया जा रहा है। और इसी क्रम में जो है आपको बता दें, प्रदेश की जो है शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास है, और जिसका परिणाम है कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय कॉन्वेंट स्कूलों को मात दे रहे हैं। योगी सरकार ने विद्यालयों का जो है कायाकल्प कम समय में तेजी से किया है। देखिए लगातार ये कायाकल्प अभियान चलेगा, और इसके तहत आपको बता दें आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल की तर्ज पर विकसित करना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधाएं प्ले स्कूल की तरीके से, प्राइवेट स्कूल की तरीके से दी जाएँ। और अभी एक बैठक हुई है बुधवार, यानी कि आज, बैठक में क्या निकल कर आया है? बैठक में जो है सीएम योगी ने कहा है कि प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए, यहां तक कि अधिकारी कर्मचारियों को प्रेरित किया जाए, और इसको लेकर आह्वान किया है और कहा है कि प्रदेश में सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को एक एक आंगनबाड़ी केंद्र गोद जो है लेने की आवश्यकता है, ताकि जो है आपको बता दें केंद्र का विकास हो सके, और इसको लेकर जो है प्रेरित किया है। आज इसी संबंध में जो है बैठक हुई, बैठक में एक अहम जानकारी निकली और इसी का सबसे पहले आपके भाई ने बताई। साथ ही आपको बता दें कल हम खबर आपको देने जा रहे हैं आंगनबाड़ी बहनों से जुड़े हुए मानदेय के बारे में। कब तक मानदेय आएगा, आखिरकार क्यों नहीं आ रहा है, इसके बारे में महत्वपूर्ण अपडेट देने जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ताकि कल की महत्वपूर्ण खबर आपको मिल सके। जो पहले से किए हैं उनको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार।